अब क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पहले ही ये ट्रेन वाला फुल वीडियो देख चुके हैं, तो फिर से वापस से वो सारी चीजें बताकर आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके मेरा इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन राइड का पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हैं। फाइनली 4 दिन के सफर के बाद रात के 1:30 बजे मैं पहुंचता हूँ कन्याकुमारी स्टेशन पर। अब इतनी रात को एक होटल हंट पे निकलना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं स्टेशन पर ही एक डॉम का पता करता हूँ जो उस दिन अनअवेलेबल थी। थक हार कर मैं वहीं एक बेंच पर गिर जाता हूँ और तभी मुझे ये भाई मिलते हैं। अब ये हमारे एक सब्सक्राइबर है। ऐसा मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ है कि चलते फिरते किसी ने मेरे को पहचाना हो। चलते फिरते भी नहीं भाई, मैं तो बेंच पर सोने लगा था। उन भाई के साथ थोड़ी सी बातचीत करने के बाद मैं उसी बेंच पर लेट जाता हूँ और लेटकर बस सोचता हूँ कि कैसे 3-4 दिन के अंदर ही पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है। पर जो एक चीज नहीं बदलनी चाहिए वो मैं खुद हूँ। जैसा सिंपल सादा सा हूँ, मैं विश करता हूँ कि मैं आने वाले टाइम में ऐसा ही रहूँ। और उसके बाद मस्त इसी थॉट के साथ चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल लेके मैं उसी बेंच पर पूरी की पूरी रात निकाल देता।